हेलो क्लास नर्सरी स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके नोट्स का पेज नंबर 1, जहां पर हमने आपको लेटर अ स्टार्ट करेंगे हम आज आपके लिए। ये आपकी वर्णमाला का पहला अक्षर है और आपकी जब आप अपनी वर्णमाला का पहला अक्षर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जिसकी प्रिपरेशन के लिए हमने आपको कुछ शेप्स ड्रॉ करने के लिए आगे वर्कशीट एक्स्ट्रा वर्कशीट दी हुई थी, जहाँ पर हमने आपको सीधी खड़ी लाइन, आड़ी लाइन, गोला और अर्धगोला जैसी आकृति ड्रॉ करने के लिए कहा था, जिससे कि वर्णमाला के अक्षर, अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स आपके लिए राइट करना इजी हो सके। आइए हम आपकी वर्णमाला का पहला अक्षर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पेरेंट्स को पहले बता देती हूँ कि वो डायरेक्ट वर्कशीट बच्चे के हाथ में ना देते हुए उसे पहले स्लेट पर लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद अगर स्लेट पर, उसके बाद रफ कॉपी में भी आप उसे लिखने की प्रैक्टिस करवाएं। उसके बाद उसका हाथ जब थोड़ा फ्रीली चलने लगे, उसी के बाद आप स्कूल की वर्कशीट उसके हाथ में दें, वरना बहुत ज़्यादा इरेज करने की वजह से वो ख़राब और फट भी सकती है। इसलिए आप पहले स्लेट पर चॉक की हेल्प से उसकी प्रैक्टिस करवाएं। सेकेंडरी आप रफ कॉपी में पेंसिल से उसकी प्रैक्टिस करवाएं। जब उसका हाथ थोड़ा फ्रीली चलने लगे, तो आप उसे स्कूल की वर्कशीट दे सकते हैं। आइए मैं आपको बता देती हूँ आपको उसकी कैसे आपको इसे प्रोनाउंस करवाना है। अ, अ से अनार, अदरक, अमरूद। अनार, अदरक, अमरूद ऐसी चीज़ें हैं जो आप उसे पिक्चर यानी ओरिजिनली आप घर पर भी उसे दिखाकर इसे बता सकते हैं कि इसे कहते हैं अ। इसके अनार से इसे के अनार, अदरक आप घर पर सब्जियों में से उसे बता सकते हैं कि ये अदरक होता है। अमरूद उसे बता सकते हैं और इसका सिखा सकते हैं। आपको उसे अ राइट करवाने के लिए आप उसे बताना है कि जैसे कि हमने अल्फ़ाबेट्स में ए बी बी राइट कर रहे हैं, हमने अर्धगोला बनाना सीखा था, वैसे ही उसे अ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसे अ की प्रैक्टिस करते समय ध्यान रखना है कि देखिए, पहले हमें बनाना है हाफ सर्कल, फिर हमें उसी हाफ सर्कल से एक और हाफ सर्कल राइट करना है, और फिर यहाँ पर एक आड़ी लाइन और फिर एक खड़ी लाइन खींचते हुए अ को कंप्लीट करना है। आप उसे स्लेट पर फर्स्टली उसकी प्रैक्टिस स्लेट पर करवाएं कि उसे हाफ सर्कल, फिर एक और हाफ सर्कल, फिर उसे एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन से अ को कंप्लीट करना है। जब उसकी प्रैक्टिस स्लेट पर हो जाए, तब आप उसे पेंसिल देकर यहाँ प्रैक्टिस करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर जो नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, इसमें अ को डॉट्स में लिखा गया है, तो उसे यहाँ पर ज़्यादा लिखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आप उसे कहें कि उसे जैसे वन राइट करना, ए राइट करना डॉट की हेल्प से सिखाया जा रहा है, वैसे ही उसे अ राइट करना है। उसे डॉट डॉट के ऊपर पेंसिल चलाते हुए ही राइट करना है। अगर उसकी पेंसिल डॉट के बाहर नहीं जाएगी, तो उसका परफेक्ट ड्रॉ होने लग जाएगा। देखिए, उसे आपको समझाना है कि वो करेक्ट पेंसिल एक डॉट पर रखे और उसका पूरा ध्यान डॉट्स पर ही हो, लेकिन आप उसे ये सिखाएं कि डॉट्स को आड़े टेढ़ा ना ले जाकर उसे जैसे प्रैक्टिस करवाई थी कि पहले उसे दो हाफ सर्कल ड्रॉ करने हैं, फिर एक आड़ी लाइन और एक खड़ी लाइन और फिर उसके ऊपर लाइन खींचते हुए अ को कंप्लीट ड्रॉ करना है, और उसे हर वर्ड को लिखते समय मुँह से प्रोनाउंस भी करना है अ, तो वो उसे समझ पाएगा। इसी के साथ आपकी वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। पेरेंट्स ध्यान रखें कि उसके एक दिन में आप एक ही वर्कशीट का यूज़ करें। ज़्यादा प्रैक्टिस करवाने के लिए आप स्लेट का या वर्कशीट की और फोटोकॉपी करवा कर इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास बुक्स है, तो बुक्स में भी आपको और लिखने का की प्रैक्टिस के लिए पेजेस दिए हुए हैं।